सो आपको टॉप आईटी वर्ल्ड के चैनल में खुशामदीद। और आई थिंक ये टॉप आईटी वर्ल्ड टीम का हमारी पहली वीडियो है कि हम लोग पहली वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। और ऑफ कोर्स एज अ वर्कर ऑफ टॉप आईटी वर्ल्ड चैनल एंड वेबसाइट, मैंने सोचा मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास शो करूँ। और अगेन मैं रिपीट करूँगा कि उम्मीद है आप लोग हमारे वीडियो से बहुत सारी, हम लोग कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, स्कूल लेवल पे, और स्पेशली जो हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम असाइनमेंट्स देते हैं, हम लोग आपकी हेल्प करते हैं उसमें। और उम्मीद है कि आप लोग उसको इन्जॉय भी कर रहे होंगे। आज हम लोगों का थोड़ा सा प्लानिंग बना था कि हम लोग इस्लामाबाद ट्रायल 3 में थोड़ा हाइकिंग के लिए आएँ, तो हम लोग वहाँ पर आए हैं। तो बस अभी हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से जो है ना इस ट्रायल को हमने क्रॉस किया है, ऊपर आए हैं। तो मैं ज़रा सोचा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ट्रायल 3 वन ऑफ़ द बेस्ट प्लेस टू हाइक, एंड सेकेंडली बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था जो हम लोग ऊपर थोड़ा सा आए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। आप बल्कि व्यू चेक करें हमारा पीछे काफ़ी, हमारी जो मार्गला हिल्स चेक करें आप। हाँ जी, तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे फॉर श्योर आप लोग आएँ, यहाँ पे हाइकिंग करें। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, जैसे कि आज संडे है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। यहाँ पे आपका फ़िटनेस आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितना फ़िज़िकली फ़िट हैं। तो हम लोगों ने आज थोड़ा सा यूट्यूबर किया था, मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे साथ मेरी टीम में जो जवाद भाई हैं। जवाद भाई आइए, आप सामने आइए, क्यों नहीं आ रहे आप सामने? तो ये मेरे पार्टनर हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, इवन कि मेरे बिल्कुल हम साथ ही कंटेंट लिखते हैं, खुद ही सब कुछ पब्लिक करते हैं। ये हमारे जवाद भाई हैं, ये आपके साथ आज अपना व्यू शेयर करेंगे कि हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या कुछ करते हैं टॉप आईटी वर्ल्ड पे, और ये आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं जवाब भाई जी। दोस्तों, हम पिछली दफ़ा जो है वो आपने हमारी वीडियो देखी होगी, तो हम जो है वो ट्रायल नंबर 5 पर आए थे, जो यहाँ से थोड़ा करीब ही है, मतलब उसका रास्ता दूसरा है, तो हम उस साइड से आए थे और वो काफ़ी लंबा रास्ता था। और इस बार हम तीन दोस्तों ने ये फ़ैसला किया है और ये डिसाइड हुआ था कि हम जो है वो किसी और ट्रेल को जो है वो हाइक करेंगे। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उस साइड से आएँ कि जहाँ पर हमें जो है वो कुछ एंजॉय का मौका मिले, और हम ऊपर जो है वो टॉप पर जाएं, और टॉप पर हमें अपनी फ़िटनेस का भी अंदाज़ा हो जाए इस हवाले से। तो ये ट्रेल नंबर 3 के बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि तो हमने जब ट्रायल 3 को यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये काफ़ी जो है हमने लोगों से पहले मालूमात ली थी, तो ये काफ़ी यहाँ से हाइक करना मुश्किल है बनस्बत ट्रायल 5 के, क्योंकि काफ़ी प्लेन है और यहाँ पर जो है वो रास्ता काफ़ी इस तरह ऊपर की तरफ है, मतलब सीधा ऊपर की तरफ कर्व है, तो यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा जो है वो इस लिहाज से डिफ़िकल्ट है। तो जैसे ही हम आए थे, तो जैसे कि लोगों ने हमें बताया था, तो इसी तरह ही हमें दिखाई दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम तीन दोस्त जो कि नहायत ही दुश्वार गुजार रास्ता क्रॉस करते हुए और नहायत ही एडवेंचरस एक ट्रेल के ऊपर चलते हुए आज आपके सामने यहाँ तक पहुँचे हैं, जो ऑलमोस्ट 50% हमने ये फासला कवर कर लिया है, और जो मज़ीद 50% रह गया है वो हम अब चाहते हैं कि नीचे चले जाएं, क्योंकि नीचे गाड़ी के अंदर हमारा बेहतरीन किस्म का फूड है, हमारा इंतज़ार कर रहा है, और वो हम नीचे ऊपर ब्रिंग नहीं कर सके ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस। तो हम चाहते हैं कि नीचे जाके उसको एंजॉय करें। तो अब ये जो हमारे साथ दो साथी हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, कॉन्टेंट राइटर हैं, और इट इज़ देयर फर्स्ट टाइम कि ये आज यहाँ पर हाइक करते हुए ऊपर आए हैं, और बहुत इन्होंने एंजॉय किया है। और आज जनवरी की 17 है, लेकिन इस तरह हमारा पसीना निकल रहा है जैसे ये जून की 17 हो, और बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे, बहुत एंजॉय। पथरीली सारी ट्रेल है, और यहाँ पे किन्नू का एक आदमी बैठा हुआ है जो किन्नू भी फरोख्त कर रहा है यहाँ पे, और उससे अभी हम किन्नू भी लेके खाएंगे, और फिर वी विल मूव बैकवर्ड सून। तो उम्मीद ये है कि हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, और हम चाहते हैं कि हम मगरिब से पहले पहले अपनी डेस्टिनेशन पर वापस पहुँच जाएँ, और काफ़ी मज़ा आया है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा अपने व्यूअर्स को कि वो ज़रूर यहाँ पे आएँ, और पानी की बोतल अपने साथ लाना ना भूलें, क्योंकि ये सर्दियों में भी ऐसी जगह है कि सर्दियों में भी आपका गला खुश कर देगी, तो इसके लिए पानी का होना ज़रूरी है, और पानी की बोतल आप ज़रूर लेके आएँ, और हो सके तो अपने साथ कोई छोटे मोटे स्नैक्स भी लेके आएँ। सो गाइस, मैं यहाँ पर आपको अलविदा कहूँगा, और अगर हम यहाँ से ऊपर हमारा जाने का प्लान बन गया तो फिर एक वीडियो या उसके रास्ते में शूट करेंगे, अदरवाइज़ हम नीचे जाके अपना आपसे एक और मैसेज आपको देंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे, गुड बाय एंड बाय बाय।